ले रहा है। भाई तू पूरा कंधे पे आ गया यार। मैं कर रहा हूँ कंप्लीट मत। थैंक यू। कैमरा बंद कर दूं। लैब बंद करो यार लाइट का। करण सर, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी एवरी आर्टिस्ट प्लीज कम स्टार्ट। वी विल स्टार्ट। हेलो 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 हेलो। सबसे पहले तो आप सभी लोग बैठ जाए, जितने भी बैठते हैं प्लीज बैठ जाए। लास्ट का एक दिन बात मिलके अपने प्रेयर्स कर लेते हैं। सर प्लीज से फ्यू वर्ड्स। यस यस। सर राजन सर एंड डीके भी प्लीज कम। सब कब जाएंगे? अगर अगर एक काम कर सकते हैं जी सर, अगर प्लीज दिस विल हेल्प अस। अगर आप लोग पांच पांच कदम पीछे जाओगे ना, हमारे कुछ लोग जो सालों से मेहनत कर रहे हैं वो भी आ जाएंगे। हैप्पी बर्थडे। मजाक मत कर यार, ऐसा मजाक मत करो, कभी देरी की रात सब लगने मारे। थोड़ा पीछे कर ले आप। रिश्ता क्या कहलाता है? हैज बीन अ ग्रेट ग्रेट लेगेसी एंड आई ऑलवेज से माय टीम एवरीबडी से इट्स गॉड्स ओन शो एंड हमेशा एक साथ एक सपोर्ट। आई वुड लाइक द रिश्ता टीम टू कम एज मेनी कैन कम हियर। आइए जमा सर, सारे राइटर्स, करण करण क्या है करण नाम?
रूपाली जी दो साथ में आइए ना इधर टर्न कम क्लोज रूपाली जी कम क्लोज यहाँ पे राइट में रूपाली जी राइट में अभी यहाँ पे लास्ट यहाँ पे महेश बाबू सर कम कर रूपाली को बोला शिवांगी मैम इधर देखिए अरे कौन है यार मोबाइल नंबर शिवांगी जी इधर मैम यहाँ शिवांगी जी यहाँ पे ये पीछे ले ना बिलाल को आगे शिवांगी जी और खूबसूरत हो गई वेट शिवांगी सेंटर लुक चलो अभी 1-1 I couldn't have asked for something more. राजन जी और दीपा आंटी हमेशा इतनी इज्जत देते हैं कि कभी कभी डर लगता है कि किसी की नज़र ना लग जाए बहुत प्यार करते हैं और बस मैं कोशिश यही करूँगी कि हमेशा इतनी मेहनत करूँ इतनी शिद्दत से काम करूं कि मैं उनका ये प्यार अर्न कर सकूं आई नीड टू बी वर्थ द लव दे गिव मी सॉरी यार मैं चप्पल निकाल के खड़ी हूँ पैर बहुत दुख रहे हैं सारा दिन का यार जो भी काम के लिए तरसा है ना उसे अपने आप इंस्पिरेशन मिल जाती है कि काम करते रहना है जब वो एक मौका मिले जो ऐसा मौका हो थू अनुपमा जैसा मौका हो जो बहुत कम लोगों की किस्मत में आता है जब वो एक मौका मिले तो लानत है उस इंसान पर अगर वो मेहनत नहीं करे तो मतलब ऐसा रोल मिलना इट्स अ गॉड सेंड रोल फॉर एनी एक्टर एंड मुझे बस मेहनत ही करनी है सब कुछ तो थाली में परोस के मिलता है राइटर्स इतना अच्छा लिखते हैं राजन जी की जो सोच है
मेरे डायरेक्टर्स हैं हर स्टेप पर गाइड करने के लिए, मेरे एडिटर्स हैं, मेरे गुफ्स छुपाते हैं, मेरा डीओपी, मेरा कैमरामैन, जिस दिन मेरी शक्ल सूझी हुई रहती है, जिस दिन मैं शायद बुखार होता है, चाहे कुछ होता है, हमारी शक्ल फिर भी अच्छी दिखती है स्क्रीन पर, वो सारे लाइटमैन हैं जो लाइट लगाते हैं, इतनी भारी भारी लाइट्स उठा के ले जाते हैं, थर्माकोल पकड़ते हैं, सेटिंग वाले जो फ्रेम को ब्यूटीफुल बनाते हैं, स्पॉट दादा जो एक सेकंड भी ऐसा हुआ तो फटाक से चेयर लेके मौजूद होते हैं, मेरी टीम, मेरा नितेश, मेरी लतिका, मेरे शिव भाई, ये लोग जो कॉन्स्टेंटली मेरा मेकअप सब कुछ देखते हैं, एवरी मेंबर ऑफ द टीम, द एडिटर्स, द बैकग्राउंड स्कोर, द डी आई, द कलर करेक्शन भी होती है, यू नो, जो हमारे फ्लॉज छुपा देते हैं. सो ये सारे लोगों की मेहनत मिलके एक अनुपमा बनता है, या एक शो बनता है, या एक रोल बनता है, एक एक्टर खड़ा होता है. तो अगर मैं उसमें मेहनत ना करूं तो मतलब कोई भी इंसान अगर कहे कि मैं सिर्फ यहाँ पर डे छापने आता हूँ, या मैं सिर्फ यहाँ पर रहा, काम है तो कर लो, नहीं, मुझे अगर छोटे से छोटा मौका भी मिले ना तो मैं उसे पूरा 200-300% करूँगी, क्योंकि मौका इस मौके के पीछे हजारों लोग लाइन में खड़े होंगे. सो एंड ऑल्सो द बिगेस्ट इंस्पिरेशन इज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आई एम ऑब्सेस्ड विद हिम, नरेंद्र मोदी जी, जो हमेशा कहते हैं वो जेट सेट करते हुए मीटिंग्स करते हैं, फिर यू नो इवन वाइल ही इज जंपिंग टाइमलाइंस एंड टाइम ज़ोन इज वर्किंग, उतर के मेहनत करने लग जाते हैं, रेस्ट नहीं करते. जब प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह जो थे अपने साथ, जहाँ पूरा एंटूराज लेकर चलते थे, सारे प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, जो ऐसे पूरी बटालियन चलती थी साथ में, वहाँ हमारे मोदी जी हैं जो इतने सिंपल हैं, यू नो, सात्विक आहार खा के, मेहनत मेहनत मेहनत, और देश की सेवा में जो उन्होंने अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगा दिया है. और वो एक चीज़ उनकी मेरी जहन में अटक गई थी, आई थिंक परेश भाई ने ये बात कही थी, परेश रावल जी ने, कि मोदी जी से पूछते हैं कि आप कैसे कर लेते हैं, तो वो कहते हैं कि सोचने का नहीं ना, तो मेरा भी वही है, सोचने का नहीं, बस काम करते रहने का, काम मिला है, और जब फैमिली मिली है ऐसी जो सपोर्ट करती है, मेरे हस्बैंड, आई लव हिम, ही इज़ गॉड फॉर मी, एंड चाहे कोई कुछ भी बोले, हाँ मैं रोज़ सुबह घर से निकलती हूँ, मेरे पति के पैर छू के निकलती हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, एंड मैं हूँ ऐसी. आई थिंक बंगाली, दैट्स अ कल्चर टू टच, घर में किसी बड़े का पैर छू कर निकलना, एंड आई टच हिज फीट एवरी डे, आई लीव फ्रॉम होम, I kiss my son, hug him and leave from home. So, जो भी जिनको ऐसी सपोर्टिव फैमिली मिले, ऐसे प्रोड्यूसर मिले, ऐसा शो मिले, ऐसा काम मिले, उनको मेहनत तो करनी है.